गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चे आप अटोमिक स्ट्रक्चर करते पे हाँ प्लस वन क्लास की कैमिस्ट्री का अच्छा आप केड़ा टॉपिक करांगे अच्छा आप करांगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर जिन्हों आप डिब्रॉय हाइपोथीसिस भी कहने साडा अज का टॉपिक है का वा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर जिन्हों होर आप बोली दा वा डिब्रॉय हाइपोथीसिस डी ब्रोगली भी कई बोल लेंदे आ पर तुसी याद रख लो इनू की बोलना डिब्रॉय हाइपोथीसिस डिब्रॉय हाइपोथीसिस। देखो डिब्रॉय साइंटिस्ट ने की किया अकॉर्डिंग टू दिस मैटर हैव टू टाइप ऑफ नेचर कोई भी जेड़ा मैटर या उदा दो तरह का नेचर हुंदा वन इज पार्टिकल नेचर सेकंड इज वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर हुंदा एक वेव नेचर हुंदा। पार्टिकल नेचर क्यों हुंदा जिस तरह कोई भी चीज़ मान लो कोई भी आ जिदा मार्कर या बोर्ड या ह्यूमन बीइंग या चेयर या टेबल या कोई भी चीज़ या उदा मास होगा पार्टिकल नेचर केड़ी चीज़ वेख के क्या गया वा पार्टिकल नेचर तां गया क्योंकि मटीरियल जेड़ा वा मटीरियल कोल मास हुंदा मैटर हैव मास हुंदा तां करके पार्टिकल नेचर क्या गया वॉल्यूम हुंदा तां करके पार्टिकल नेचर क्या गया मास या वॉल्यूम या मोमेंटम या वेलोसिटी या ये सारे गुण किहदे आ पार्टिकल नेचर दे मास या वॉल्यूम या वेलोसिटी या मोमेंटम या इन्हां चीज़ां दे कारण आपां की किया वापी जिहड़ा पार्टिकल नेचर हैगा मैटर दा ठीक है। सैकेंड किहड़ा आपां कहने पई वेव नेचर आप क्यों कहने पे जिहड़ा मैटर आ उहदे कोल वेवलेंथ भी हुंदी आ मैटर हैव वेवलेंथ फ्रीकुएंसी वेव नंबर इहो जिहियां चीज़ां हुंदियां वेवलेंथ हुंदी फ्रीकुएंसी हुंदी इदां दियां चीज़ां हुंदियां तां करके आपां कहता इहदा वेव नेचर हुंदा। नोट दे अंडर तुसीं एक एक्सप्रैशन याद रख लियो लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी जिन्हां दा मास ज़्यादा वा तो उन्हां दी वेवलेंथ बहुत घट हुंदी ताई आपां कहने भी जिद्दां इलैक्ट्रॉन आ इलैक्ट्रॉन दा मास वैरी स्माल मास बहुत घट आ तो इहदी वेव सानूं इस तरह बनती हुई लभदी आ इहदी वेवलेंथ कोई ना कोई हुंदी आ। तो जेकर आपां कोई कहीए ह्यूमन बीइंग इहदा मास की हुंदा वा बहुत ज़्यादा इलैक्ट्रॉन दे कंपैरिजन तो इहदी वेव जिहड़ी वह नहीं बनती सानू लभदी नहीं आ हुंदी जरूर आ पर लभदी नहीं आ। इन्नियां गल्लां तुसीं नोट दे अंडर याद रखियो ठीक है। ये साडा हैगा ही डिब्रॉय हाइपोथीसिस जिन्हों आप डी ब्रोगली भी कह सकते हैं जा ड्यूल नेचर ड्यूल का मतलब हुंदा दो जिहड़ा मैटर आ उहदा दो तरह का नेचर आ पार्टिकल नेचर ते वेव नेचर जिदा असी खुद मैटर आ साडा भी दो तरह का नेचर आ साडा भार हैगा साडा पार्टिकल नेचर भी हैगा तो जे असी मूव करांगे साडे नाल वेव एसोसीएटड हुंदी साडा वेव नेचर भी हैगा। वेव अपीयर क्यों नहीं हुंदी क्योंकि साडा मास बहुत ज़्यादा जिन्हां दा मास ज़्यादा हुंदा उन्हां दी वेवलेंथ घट हुंदी वेव अपीयर नहीं हुंदी क्लीयर। ये हो गया साडा एक ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। हुण आपां करांगे हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल
हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब हुंदा जे एरर, ये इदां दी स्टेटमेंट है जिदे स्टेटमेंट के अंडर ही लिख एरर वर्ड लिखिया आन दिया। एरर कित्थे हो सकदा, जिस तरह इहदे विच इन्हां ने कहा गया वा भी जेकर तुसीं मूविंग इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आले दुआले घूमदा पिया, इस मूवेबल इलैक्ट्रॉन की पोजिशन पता करन गए, पोजिशन नूं किहदे नाल रीप्रजेंट करना, एक्स नाल, एक्स नाल, ते मोमेंटम, मोमेंटम नूं किहदे नाल रीप्रजेंट करना, पी दे नाल। पोजिशन ते मोमेंटम इकट्ठे कदी भी नहीं पता कर सकते, गलती कोई ना कोई आ ही जानी, ठीक है। तो वह एरर किन्ना आउंदा वा, एच अपॉन फोर पाई दे बराबर भी आ सकता, तो उहदे तों ज़्यादा भी आ सकता, ठीक है। जे एक्स का मतलब की आ पोजिशन, जेकर मैं लिखदा डेल्टा एक्स, इहदा मतलब आ एरर इन पोजिशन, पोजिशन च पता करन च कोई ना कोई गलती लग गई। जेकर मैं लिखदा डेल्टा पी, इहदा मतलब आ एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम। फिर मैं इहदी किद्दां स्टेटमेंट लिखा, हाइजनबर्ग की, हाइजनबर्ग की कहिंदा ही पोजिशन मोमेंटम कैनॉट बी कैलकुलेट अकूरेटली ते साइमल्टेनियसली। इदां वर्ड याद रख लियो, पोजिशन, पोजिशन एंड मोमेंटम, पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलैक्ट्रॉन, ऑफ अ मूविंग इलैक्ट्रॉन कांट बी, कांट बी कैलकुलेटिड, कैलकुलेटिड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली एंड अकूरेटली, अकूरेटली, ठीक है। पोजिशन ते मोमेंटम इकट्ठे, साइमल्टेनियसली का मतलब इकट्ठे, पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलैक्ट्रॉन कांट बी कैलकुलेट साइमल्टेनियसली एंड अकूरेटली, जां साइमल्टेनियसली पहलो लिख लें, अकूरेटली हुंदा पूरा करैक्ट, ठीक है। पोजिशन ते मोमेंटम कदी भी इकट्ठे सही नहीं आउणगे, जे इकट्ठे लभण की कोशिश करोगे हो सकदा पोजिशन दे विच कोई ना कोई गलती आ जाए, जां हो सकदा मोमेंटम दे विच कोई ना कोई गलती आ जाए। डेल्टा एक्स का मतलब आ एरर इन पोजिशन, एरर इन पोजिशन, डेल्टा पी का मतलब हैगा वा एरर इन मोमेंटम, जां ते पोजिशन विच कोई ना कोई गलती आ जू, जां मोमेंटम दे विच गलती आ जू। किन्नी गलती होगी, एच अपॉन फोर पाई दे इक्वल भी हो सकती, तो उहदे नालों वड्डी भी हो सकती, ठीक है। इनू याद रख लियो, डेल्टा एक्स उस तरह आ जिहड़ा पी हुंदा ना, इनू मास इंटू वलॉसिटी भी लिख सकते, मोमेंटम का फार्मूला हुंदा डेल्टा पी की जगह पर लिखता मास इंटू वलॉसिटी, बाकी सब कुछ उस तरह, डेल्टा एक्स उस तरह, एम जिहड़ा बाहर काढ लिया क्योंकि मास च एरर नहीं आऊगा, डेल्टा वी दे नाल लाता, एक आ फार्मूला याद रखना ते, ठीक है। डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी, ठीक है ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, यही साडा हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल। आपां डिब्रॉय भी कर लिया, हाइजनबर्ग भी कर लिया, ठीक है। चैप्टर 50% मेरे ख्याल नाल खत्म हो गया होगा, अगे देखांगे की रह गया वा, मेन चीज़ां साडियां तकरीबन हो गई ने। थैंक यू।